तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग बात करने वाले झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत जो है 342 पदों की वैकेंसी आ चुकी है। इस फॉर्म को भरने का क्या प्रोसेस है, क्या एज लिमिट है, फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है, फी क्या है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत 342 पदों की वैकेंसी आई है, इसे आप घर बैठे किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और आपको अप्लाई का लिंक कहाँ से मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन यहाँ से ओपन हो चुका है, झारखंड लोक सेवा आयोग के तहत जो नोटिफिकेशन जारी है इसमें आपको हम बता दें, देख सकते हैं सबसे पहले उप सहकर्ता के लिए वैकेंसी है, पुरुष उपाध्यक्ष के लिए वैकेंसी है, राज कर पदाधिकारी के लिए वैकेंसी है। क्या ये वैकेंसी सही है या नहीं है, हम चाहें तो आपको डायरेक्ट भी समझा सकते हैं, लेकिन मेरा काम है आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देना क्या ये वैकेंसी वाकई में सही है या नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, अपने फोन या लैपटॉप पर क्या करना है आपको, सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना। जैसे क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेंगे आपको यहाँ पर नया पेज ओपन हो जाएगा। नया पेज ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, JPSC लिख के सर्च कर लेना है। क्या लिख के सर्च करना है, JPSC लिख के सर्च कर लेंगे। जैसे सर्च करेंगे फर्स्ट में ऑप्शन दिख रहा है JPSC, इस पर क्लिक करके आपको ओपन हो जाना है। जैसे इस पर क्लिक करके ओपन हो जाएंगे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे आने का फर्स्ट में मेंशन कर रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करके आपको ओपन हो जाना है। जैसे इस पर क्लिक करके ओपन आप हो जाएंगे, फर्स्ट में मेंशन कर रहा है कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2023 एडवर्टाइजमेंट नंबर 21/1/2024, इस पर क्लिक करके आपको ओपन हो जाना है। जैसे इस पर क्लिक करके ओपन हो जाएंगे सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा दूंगा, उसके बाद हम बताएंगे किस तरह आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक हेयर के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक हेयर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जो नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया था वही नोटिफिकेशन यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन जो हम आपको बताए थे ये नोटिफिकेशन ये ओपन हो चुका है। इसका मतलब यह होता है कि जो मैंने आपको वैकेंसी बताया वो वैकेंसी वाकई में सही है। इतना बताने का मतलब ये रहता है कि मेरा, ताकि आप खुद से किस तरह देख सकते हैं घर बैठे। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन समझाते हैं, आप उसके वेबसाइट पे जाकर खोजते हैं, खोजने से परेशानी होता है, किस स्टेप में आपको खोजना है मैंने वो आपको स्टेप बताया। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, कहीं स्किप नहीं करेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप सभी कुछ जानते हैं। अब सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं किस पोस्ट पे कितना वैकेंसी है, उसका पूरा डिटेल्स जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से ओपन करेंगे, एक मिनट, हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। ये डाउनलोड हो जाएगा, जो हमारा जो पेज है वहाँ ये ओपन हो जाएगा, ताकि हमको बताने में आपको सहूलियत हो जाएगा। ये जो नोटिफिकेशन हम लोग डाउनलोड कर लिया आपका डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, एक मिनट। तो झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, विज्ञापन देख सकते हैं, विज्ञापन संख्या 1/24 जो मैंने आपको बताया था वही है। झारखंड संयुक्त और सैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का ये मेंशन है, ये लिंक दे दिया गया, आप jpsc.gov.in पर जाके सारा चीज देख सकते हैं। सबसे पहले बात की जाए पदों का विवरण देखा जाए तो यहाँ से पदों का विवरण यहाँ पे बताया गया। फर्स्ट जैसे पदों का विवरण बात किया जाए, अब किस पोस्ट में कितना वैकेंसी यहाँ पर हम लोग जानते हैं, उप सहकर्ता कर्मी प्रशासनिक सुधार तथा राजसभा भाषा विभाग के बात किया जाए, इसमें पद की बात किया जाए 207 पोस्टों की वैकेंसी है। कितना पोस्टों की वैकेंसी है, 207 पोस्टों की वैकेंसी है। अगला पोस्ट है पुलिस उपाध्यक्ष गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग में सिर्फ 35 पोस्टों की वैकेंसी है। और अगला है राज कर पदाधिकारी वाणिज्य कर विभाग में सिर्फ 56 पोस्टों की वैकेंसी है। अगला जो है कराधिक्ष गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग में सिर्फ 2 पोस्टों की वैकेंसी है। अगर आपको कैटेगरी बाय कैटेगरी देखना है तो सारा कैटेगरी यहाँ पे दे दिया गया, आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं कि इधर जो मेंशन कर झारखंड शिक्षा सेवा प्रशासन में सिर्फ 10 पोस्टों की वैकेंसी है। जिला समाज दृष्टा में जो है 1 पोस्टों की वैकेंसी है। सहायक निबंधन में 8 पोस्टों की वैकेंसी है। श्रम अध्यक्ष श्रम नियोजित प्रशिक्षण एवं कौशल विकास में 14 पोस्टों की वैकेंसी है। प्रोबेशन पदाधिकारी गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन में जो 6 पोस्टों की वैकेंसी है। निरीक्षक आपदा प्रबंधन में कुल 3 पोस्टों की वैकेंसी है। टोटल पोस्टों की बात की जाए 342 पोस्टों की वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगा, कैटेगरी बाय कैटेगरी यहाँ पर दे दिया गया। वैसे मैं आपको बता दूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई का लिंक, हम दोनों का लिंक दे देते हैं ताकि आपको खोजने में इतना परेशानी नहीं हो। अगर आपको क्वालिफिकेशन देखना है, यानी सॉरी आपके स्टेप आपके किस कैटेगरी में जितना पोस्ट है वो देखने के लिए आपको हम नोटिफिकेशन का लिंक दे देंगे, आप देख सकते हैं। आप थोड़ा सा नीचे करेंगे देख सकते हैं पद का नाम, उप सहकर्ता की बात किया जाए, इसका वेतन देख सकते हैं 9300 से लेकर 34000 रुपये रहने वाला है। ग्रेड पे आपका 5400 रुपये है, देख किसी भी फॉर्म में जो है यहाँ तक देख सकते हैं इसका ग्रेड पे कितना है 5400 रहने वाला है। अभी हम जो आपको बताने वाले हैं इसका ग्रेड पे कितना है 5400 है। पुलिस उपाध्यक्ष की बात किया जाए, इसमें पेमेंट आपका 9300 से लेकर 34800 रुपये मिलने वाला है। राज कर पदाधिकारी और कराध्यक्ष झारखंड पुलिस सेवा श्रेणी की तो और जिला समावेश सहायक निबंधन, इन सबों का जो है और श्रम अध्यक्ष का
का इन सबों का देख सकते हैं सेम पेमेंट है, सभी का जो है सेम पेमेंट है। और प्रोबेशन पदाधिकारी का जो ग्रेड पे 4800 है और निरीक्षक पदाधिकारी उत्पादन में ग्रेड पे का 4200 है। ग्रेड पे इनका थोड़ा सा कुछ अलग है। अब आगे देखते हैं शैक्षणिक योग्यता की बात किया जाए तो यह फॉर्म अप्लाई करने के काम आपको जो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए यूनिवर्सिटी से आपका 3 ईयर का आपके पास होना चाहिए तो फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात किया जाए उम्र सीमा देख सकते हैं उम्र सीमा मेंशन किया गया 21 साल से लेके जो है आपकी कैटेगरी में जितना भी जो मिलता है छूट सारा छूट मिलने वाला। जैसे कि बैकवर्ड क्लास वाले जो है 37 साल तक फॉर्म अप्लाई करेंगे और SC ST वाले देख सकते हैं 38 साल तक फॉर्म अप्लाई करेंगे। फीमेल कैंडिडेट वाले शेड्यूल कास्ट 40 साल तक जो मैंने आपको बताया वही ऑनलाइन कर सकते हैं। आपकी कैटेगरी जितना भी छूट मिलता है सारा छूट यहाँ पे मिलने वाला है। एक्स सर्विस मैन वाले जो है 5 साल तक के छूट मिलने वाला है। आपकी कैटेगरी जितना भी छूट मिलता है सारा छूट यहाँ मिलने वाला है। आरक्षण का लाभ जो है आरक्षण का जो भी आपका लाभ मिलता है सारा लाभ इस फॉर्म में भी मिलने वाला है। जाति प्रमाण पत्र हेतु विस्तृत निर्देश इस फॉर्म को अगर अप्लाई करते हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र लगने वाला है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और देख लेते हैं आर्थिक रूप से कमजोर निःसक्तता का लाभ जो है। अगला खेलकूद कोटा में अंतर्गत आरक्षण खेलकूद कोटा में देख सकते हैं अलग से आपको आरक्षण मिलने वाला प्रतियोगिता का स्तर उपलब्धि मेडल जैसे सारा चीज आपकी जानकारी दे दिया। महत्वपूर्ण निर्देश हो गया चिकित्सा का जांच हो गया आपका चिकित्सा का जांच किया जाएगा। पुलिस उपाध्यक्ष में जो होता है सारा चीज मेंशन कर रहा है। अब आपके देखो तो इस फॉर्म के लिए क्या पेमेंट फी रखा गया पेमेंट फी जानने के लिए पेज नंबर हम लोग 17 पाते हैं। पेज नंबर जैसे 17 पाएंगे हम लोग सबसे पहले पेमेंट फी जान लेते हैं। प्लस सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ तक आपके लिए क्या क्या है तो जो भी होगा आपके लिए हम जानकारी देते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेबस भी दे दिया गया आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो आप सिलेबस यहाँ देख सकते हैं क्या सिलेबस रहने वाला है। आप सिलेबस यहाँ पे भी देख सकते हैं कि पूरा सिलेबस आपका झारखंड का आंदोलन दे दिया गया है झारखंड का विशिष्ट पहचान दे दिया है यानी आपका सिलेबस जो भी होता है सारा आप यहाँ से देख लेंगे। अब हम आपको बताते हैं फी क्या लगेगा इस फॉर्म को भरने लिए पेमेंट फी क्या रखा गया। तो पेमेंट फी जानने के लिए थोड़ा सा यहाँ देख सकते हैं सर्जुम करके दिखाते हैं। आरक्षित आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक के वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग एवं श्रेणी उम्मीदवारों के परीक्षा शुल्क की बात की जाए 100 रुपया लगने वाला है। परीक्षा शुल्क में छूट की बात किया जाए परीक्षा शुल्क में छूट किन को मिलेगा झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति आदित्य जनजाति सहित अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये ही लगने वाला और झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति आदिवासी अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों वालों के परीक्षा दर शुल्क जमा किए जाने की तिथि के उनके आवेदन के रद्द करने हेतु उनकी उम्मीदवार समाप्त करने की जाएगी यानी कि आप जो है यानी कि लास्ट डेट से आपको पहले जो है आपको पेमेंट कर देना है। आवेदन किस तरह करना है अब ये रही बात आपको सर फॉर्म किस तरह अप्लाई करना है ये सब जानने के बाद फॉर्म अप्लाई करेंगे सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है। क्या करना है क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है जहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड किए थे यहाँ पे आना है बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ से मैंने आपको डाउनलोड जो कराया था अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ दस्ते मेंशन करा लॉगिन यहाँ पे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए ईमेल आईडी डाल लेना है कन्फर्म ईमेल आईडी डालना है पासवर्ड डाल लेना है। पासवर्ड डालने के बाद कन्फर्म पासवर्ड डालेंगे मोबाइल नंबर कन्फर्म मोबाइल नंबर डालने के बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर से बैक आ जाएंगे बैक आने के बाद जो लॉगिन का ऑप्शन था इस लॉगिन का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके फोन नंबर या ईमेल आईडी पे जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ गया होगा यहाँ से लॉगिन करके आप जो भी डॉक्यूमेंट्स जो भी फी लगेगा आप सबमिट करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आई होप मेरे पास किसी स्टूडेंट का फॉर्म नहीं रहता है फिलअप को बताऊँ मेरा काम है सिर्फ जानकारी देना कि किस जगह से किस तरह का वैकेंसी वाकई वैकेंसी सही है या नहीं है मैं आपको सही जानकारी स्टेप बाय स्टेप देता हूँ। अगर आपको फिर भी फॉर्म भरने में किसी परेशानी होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर हेल्प ले सकते हैं मैं आपको वहाँ पूरा हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और हो सकता है इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कुछ लोगों को पता नहीं चल पाता है कि किस तरह का वैकेंसी है और इस वीडियो के माध्यम से कोई लोग अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं वीडियो सक्सेसफुल हो पाएगा। तो मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ किसी और वैकेंसी के साथ धन्यवाद। और लेटेस्ट अपडेट लेटेस्ट वैकेंसी के लिए मेरे चैनल पर बने रहे मेरे चैनल सब्सक्राइब रखें ताकि समय के अनुसार किसी तरह का अपडेट या किसी तरह का वैकेंसी आएगा सबसे पहले आप तक पहुँचेगा उस जानकारी ले पाएगा। तो मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ किसी और वैकेंसी के साथ धन्यवाद।